हेलो एवरीवन, एज यूजुअल आई एम मोहम्मद रईस फ्रॉम टैगोर स्कूल परबत सर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 8। इन आवर प्रीवियस वीडियोज वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर एंड इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 8, ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट। ग्लिम्पसेस मीन्स होता है झलक और पास्ट मीन्स भूतकाल की या अतीत की। तो ग्लिम्पसेज ऑफ पास्ट मीन्स अतीत की झलक। दिस इज ए हिस्टोरिकल चैप्टर, ये एक ऐतिहासिक पार्ट है। इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी द इंडियन हिस्ट्री, भारत के इतिहास के बारे में अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी फ्रॉम 1757 टू 1857। इस पार्ट में अपन 1857 से 1857 तक का इतिहास पढ़ेंगे। बिफोर रीड दिस चैप्टर वी हैव टू रीड सम पॉइंट्स दैट आर रिलेटेड टू दिस चैप्टर। यानी पार्ट को पढ़ने से पहले कुछ पार्ट से संबंधित कुछ ऊपर पॉइंट्स दिए उनको पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड यानी पढ़ने से पहले, हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पसेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। हियर मीन्स यहाँ पे, आर मीन्स है, सम मीन्स कुछ, पिक्टोरियल मीन्स होता है चित्रमय, ग्लिम्पसेज मीन्स झलक। यानी यहाँ पे कुछ चित्रमय झलक दिए हैं ऑफ द हिस्ट्री मीन्स इतिहास की, ऑफ आवर कंट्री हमारे देश की, फ्रॉम 1757 टू 1857 यानी 1757 से 1857 तक की। यानी यहाँ पे 1757 से 1857 तक की हमारे देश की जो कुछ इतिहास से संबंधित कुछ चित्रमय झलक दी हुए हैं, जो आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन है, चित्रमय वर्णन किया हुआ है यहाँ पे। यानी इतिहास से संबंधित कुछ चित्र दिए हुए हैं 1757 से लेकर 1857 तक, भारत के इतिहास से संबंधित कुछ चित्रमय झलकें यहाँ पे दी हुई है। दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स विद हेल्प क्लेरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशन दैट लेड टू द इवेंट नॉन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। कि दीज मीन्स ये, पिक्चर्स मीन्स चित्र, एंड और स्पीच बबल्स, स्पीच बबल्स यानी ये जो दिए हुए ना साइड में, ये स्पीच बबल्स विल हेल्प यानी सहायता करेंगे क्लेरिफाई मीन्स स्पष्ट करने में योर अंडरस्टैंडिंग आपकी समझ को ऑफ द कंडीशन यानी स्थिति को दैट लेड द इवेंट यानी जिस समय घटना घटित हुई उसको नॉन यानी जाना जाता है एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध इन 1857 यानी 1857 को। यानी ये जो चित्र और जो स्पीच बबल्स दिए हुए वो आपको 1857 जो कि आज़ादी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था के रूप से के नाम से जाना जाता है, उसकी क्या स्थिति रही है उनको समझाने में आपकी सहायता करेंगी। तो जिसे फर्स्ट है द मार्टर्स यानी मार्टर्स मीन्स होता है शहीद, जो शहीद हैं वो। तो फर्स्ट जो इसमें पिक्टोरियल है वो है एट ए फंक्शन इन दिल्ली, एट मीन्स पर यमे ए फंक्शन ए कार्यक्रम इन दिल्ली यानी दिल्ली में एक कार्यक्रम का पिक्टोरियल यहाँ पे यानी चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में आप देख सकते हैं द ग्रेट पर्सनैलिटी, भारत के जो महान व्यक्तित्व है इसमें देखे जा सकते हैं, जिसे जो स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द माइक यानी माइक के सामने खड़ी लेडीज वो लता मंगेशकर, इनके बिसाइड बगल में है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके बगल में लाल बहादुर शास्त्री, एंड लास्ट में जो वुमेन है वो है इंदिरा गांधी द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और नीचे कुछ पिक्चर और दिए हुए हैं द फ्रीडम फाइटर्स है, जैसे फर्स्ट जो लेडी है वो झांसी की रानी, इनके बाद में बाल गंगाधर तिलक हैं, इनके बाद में लाला लाजपत राय का पिक्चर है, इनके जस्ट बिसाइड बगल में भगत सिंह, फिर नीचे सुभाष चंद्र बोस, इनके बगल में महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू, एंड लास्ट में है बहादुर शाह जफर। ये कुछ पिक्चर्स इसमें दिए हुए हैं। और ये जो दिया हुआ है ओ माय कंट्रीमैन, इसमें जो दिया हुआ है ये इसको बोलते हैं स्पीच बबल्स, यानी एक ये
ब्रैकेट, ये ऊपर तो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ इसका, ये यहाँ पे इसको स्पीच बबल्स बोलते हैं। तो एट ए फंक्शन इन दिल्ली, यानी दिल्ली के एक कार्यक्रम में, तो जो लता मंगेशकर वो गाती है गाना कि ओ माई कंट्री मैन लेट योर आईज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेज ऑफ इंडियंस मार्टर्स, के ओ मीन्स अरे, माई मीन्स मेरे, कंट्री मीन्स मीन्स देशवासियों, के ओ मेरे देशवासियों, लेट योर आईज फिल विद टीयर्स, कि लेट योर आईज फिल यानी अपनी आँखों को भर लो, विद टीयर्स मीन्स आंसुओं से यानी पानी से। या आपने सॉन्ग सुना होगा लता मंगेशकर का, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये उसी चैप्टर उसी सॉन्ग से रिलेटेड कुछ यहाँ पे लाइन्स है इसकी, कि ओ माई कंट्री मैन, कि ओ मेरे देशवासियों, ए मेरे वतन के लोगों, लेट योर आईज फिल विथ टीयर्स, जरा आँख में भर लो पानी, एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियाज मार्टर्स, और जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो ये सॉन्ग के कुछ बोल यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट। द कंपनीज मीन्स कंपनी का, कंपनी का मतलब यहाँ पे कंपनी शब्द का यूज हुआ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके लिए कंपनी का यूज हुआ है। तो द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट का मतलब द कंपनी यानी कंपनी का, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है विजय प्रदेश या विजय क्षेत्र, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका विजय क्षेत्र, यानी उसका किस क्षेत्रों में ज़्यादा प्रभाव था उससे संबंधित है, जो कि 1757 टू 1849 यानी 1757 से 1849 के बीच में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके क्षेत्रों के बारे में है, कि उनके किन किन प्रदेशों को उसने जीता था उससे संबंधित है। तो जो फर्स्ट है वो है विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th century इंडिया, कि विद इट्स यानी इसके सुपीरियर मीन्स उच्चतर या बेहतर वेपन्स यानी हथियारों से, यानी इसने अपने बेहतर हथियारों से द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वॉज एक्सटेंडिंग यानी विस्तार कर रही थी, यानी फैल रही थी इट्स पावर यानी अपनी शक्ति को इन 18th century यानी 18वीं शताब्दी में इंडिया यानी भारत में, यानी अपने उच्चतर हथियारों से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में 18वीं शताब्दी में अपनी जो शक्ति थी उसको फैला रही थी, अपनी शक्ति का विस्तार कर रही थी। एज यू कैन सी, जैसा आप देख सकते हैं इन दिस मैप, इस मैप के अंदर ये इंडिया का मैप है, 1765 यानी 1765 में इंडिया का मैप है। तो यू कैन सी इन द इंडेक्स जो येलो कलर दिया हुआ है वो है इंडियन प्रिंसेज यानी भारतीय राजाओं का क्षेत्र था, और जो रेड कलर में दिया हुआ है पिंक में वो है ब्रिटिश टेरिटरी यानी जो ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के क्षेत्र या प्रदेश। तो जो देख रही है पीला जो क्षेत्र दिया हुआ है वो है भारतीय राजाओं का रियासती क्षेत्र था, और इधर ये जो दिया हुआ है पिंक कलर में ये ब्रिटिश टेरिटरी यानी ब्रिटिश जो अंग्रेजी थे उनका क्षेत्र था। तो ये लगभग ब्रिटिश थे वो उड़ीसा बंगाल वाले क्षेत्र में थे, और शेष भारत पे लगभग उस समय जो राजा थे देसी राजा थे उनका अधिकार था। नेक्स्ट है, अब ये जो ऊपर पहले दिया हुआ ये उसका के बातचीत से संबंधित सारांश दिया हुआ है, और उसके बाद के अंदर ये बबल्स में उनकी बातचीत दी हुई, ये ध्यान रखें कि इंडियन प्रिंसेज वर शॉर्ट साइटेड, इंडियन प्रिंसेज यानी भारतीय, प्रिंसेज मीन्स राजा, वर मीन्स थे, शॉर्ट साइटेड का मतलब अदूरदर्शी थे यानी दूर की कल्पना नहीं कर सकते थे, यानी जो भारतीय राजा थे वो अदूरदर्शी थे यानी वो दूर की कल्पना नहीं कर सकते, यानी दूर के बारे में नहीं सोच सकते थे। अब है इनकी बातचीत, आपसी बातचीत है कि दैट अप स्टार्ट राजा बाग कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। द अप स्टार्ट का मतलब जो नए राजा थे, नए नवाब थे राजा बाह, उन्होंने कॉल यानी बुलाया द इंग्लिश मर्चेंट यानी अंग्रेजी व्यापारियों को बुलाया, मर्चेंट्स अंग्रेजी व्यापारियों को बुलाया यानी जो राजा थे,
जो नए नए राजा थे उन्होंने अंग्रेजी जो व्यापारी थे उनको बुलाया और कहा कि दे विल हेल्प मी, दे मीन्स वे विल हेल्प, यानी सहायता करेंगे। यानी जो नवाब था उसने अंग्रेजों को व्यापारियों को बुलाया कि दे विल हेल्प मी, दे मीन्स वे विल हेल्प मी, सहायता करेंगे मी यानी मेरी टू डिफीट यानी पराजित करने में हिम यानी उनको, कि वे उन हमें उनको पराजित करने में हमारी सहायता करेंगे। यानी आपसी झगड़े होते थे, जो राजा थे वो आपस में झगड़ते थे, तो वो आपसी झगड़े के लिए क्या किया उन्होंने कि अंग्रेजी व्यापारियों को बुलाया ताकि वो उनकी मदद कर सकें। तो इसके लिए आपसी फूट के कारण जो विदेशी व्यापारी थे वो भारत में यानी ब्रिटिश इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज भारत में व्यापारी बन के आए। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट। पीपल मीन्स लोग, हैड नो यानी नहीं था, पीस मीन्स शांति, ड्यू टू सच यानी इसके बजाय कॉन्स्टेंट फाइट यानी लगातार लड़ाइयाँ होती थी, यानी लोगों के अंदर शांति नहीं थी और लगातार लड़ाइयाँ होती रहती थी, यानी राजा आपस में झगड़ते रहते थे उस समय। The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. The rivalries means होता है प्रतिद्वंदी, यानी आपस में झगड़ने वाले, help प्रतिद्वंदी यानी विरोध करने वाले या प्रतिद्वंदिता, help यानी सहायता की the East India Company यानी East India Company की, and और it could easily, और it means इन्होंने easily यानी आसानी से, सबड्यू का मतलब होता है अधीन करना या जीतना, इंडियन प्रिंसेज यानी भारतीय राजाओं को वन बाय वन यानी एक के बाद एक, यानी प्रतिद्वंदियों की सहायता से, यानी जो राजा तो आपस में झगड़ते थे तो उनमें जो आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदिता थी, विरोध था, तो वो क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता करते थे। और इसी के कारण जो अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने यानी उसने आसानी से जो भारतीय राजा थे उनको एक एक करके हरा दिया, अपने अधीन कर लिया उनके राज्यों को। एफआर सिंह रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉट द ब्रिटिश टिल द डाई फाइटिंग। एफआर सिंह यानी फॉर सिंह का मतलब होता है दूरदर्शी, यानी दूर की सोचने वाला, रूलर मींस शासक, लाइक द ब्रेव टीपू यानी टीपू बहादुर, जो टीपू था ऑफ मैसूर यानी मैसूर का शासक टीपू सुल्तान, उसके बारे में बताया कि दूरदर्शी शासक था। वो फॉट मीन्स लड़ा द ब्रिटिश यानी अंग्रेजों से, टिल द डाई फाइटिंग यानी लड़ते हुए मरा नहीं तब तक, यानी जो टीपू सुल्तान एक दूरदर्शी यानी मैसूर का एक दूरदर्शी शासक था, वो अंग्रेजों से लड़ा और जब तक कि उसकी लड़ाई में मृत्यु नहीं हुई, यानी जब तक वो वीरगति को प्राप्त नहीं हुआ तब तक वह अंग्रेजों से लड़ता रहा। अब नेक्स्ट है जो सीन है जो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट। हाउ मीन्स कैसे, हाउ डिड इंडियंस यानी भारतीयों ने रिएक्ट यानी प्रतिक्रिया की टू दीज यानी इन कॉन्क्वेस्ट यानी इन विजय क्षेत्रों में या इन क्षेत्रों में जो भारतीय थे उन्होंने किस प्रकार की प्रतिक्रिया की, यानी किस प्रकार से लोगों ने आपसी प्रतिक्रिया की। तो आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं जैसे अपन पढ़ेंगे इस बबल्स में उनकी जो टॉक है इनका जो कन्वर्सेशन है वो दिया हुआ है। तो जैसे फर्स्ट पर्सन एक आदमी कहता है कि थैंक गॉड कि भगवान का शुक्र है कि देर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। कि थैंक गॉड यानी भगवान का शुक्र है, देर इज पीस यानी शांति है इन द कंट्री यानी देश में, नाउ मीन्स अब, कि भगवान का शुक्र है कि देश में अब शांति है, नो मोर वॉर्स यानी युद्ध नहीं है, एंड नो लूटिंग और लूटपाट भी नहीं है, बाय ठग्स यानी ठगों के द्वारा, ठग्स मीन्स ठग होता है या त्यारा, कि भगवान का शुक्र है कि देश में अब शांति है और कोई भी ज़्यादा लूटपाट और यानी ठगों या हथियारों के द्वारा कोई भी ज़्यादा युद्ध और लूटपाट नहीं है। तो दूसरा जो होता है शासक वो राजा वो कहता है इट इज़ गुड हु सेंट द ब्रिटिश, इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश कि इट इज़ गॉड यानी ईश्वर ही है वो, यानी जिसने सेंट मीन्स भेजा, द ब्रिटिश मीन्स अंग्रेजों को, भगवान ही है जिन्होंने
इस जिन्होंने अंग्रेजों को भेजा, यानी भगवान ही जिन्होंने अंग्रेजों को भारत में भेजा है। तो अगला जो दूसरा व्यक्ति वो कहता है, अवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विथ देम। अवर मीन्स हमारी, डेस्टिनी मीन्स भाग्य या तकदीर, इज लिंक्ड यानी जुड़ी हुई है विद देम यानी उनके साथ, कि हमारा जो भाग्य है, हमारी जो तकदीर है वो उन्हीं के साथ जुड़ी हुई, यानी हमारी तकदीर अंग्रेजों के साथ जुड़ी हुई। तो ये कुछ बातचीत आपस में करते हैं, और दूसरी तरफ अलग, यानी ये तो एक सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, जबकि दूसरी साइड के अंदर यहाँ इस पिक्चर में नेगेटिव रिएक्ट दिया जाता है। तो जैसे बबल्स में फर्स्ट पर्सन कहता है कि द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड अवर किंग्स। द वाइट मैन यानी गोरों ने, अंग्रेजों ने, हैज किल्ड यानी मार दिया, और डिथ्रोन्ड और पद से हटा दिया अवर किंग्स, हमारे राजाओं को। तो एक आदमी कहता है कि इन गोरों ने यानी मार दिया है, और यानी इन गोरों ने हमारे जो राजा है उनको मार दिया और गद्दी से हटा दिया है। तो जो दूसरा व्यक्ति है वो कहता है कि सम किंग्स वर नॉट गुड, कि सम किंग्स यानी कुछ राजा वर नॉट गुड यानी अच्छे नहीं थे, कि कुछ राजा अच्छे नहीं थे, बट आफ्टर ऑल, बट मीन्स लेकिन, आफ्टर ऑल यानी इसके बाद भी, दे मीन्स वे, वर मीन्स थे, ऑफ दिस लैंड यानी इस ज़मीन के, लेकिन कुछ राजा अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी वे इस ज़मीन के थे यानी इस धरती के थे, यानी यहाँ के रहने वाले थे। तो दूसरा व्यक्ति फिर वो प्रतिक्रिया देता है कि नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, कि नाउ मीन्स अब, वी मीन्स हम, हैव बिकम यानी बन गए हैं स्लेव्स मीन्स गुलाम ऑफ फॉरेनर्स यानी विदेशियों के, कि अब हम विदेशियों के गुलाम बन गए हैं। तो ये कन्वर्सेशन, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। अगला जो थर्ड पोर्शन है वो है ब्रिटिश रूल यानी अंग्रेजी शासन, वो कब से, 1765 टू 1836, कि 1765 से 1836 तक का ब्रिटिश शासन यानी अंग्रेजी शासन के बारे में, कि रिलीजियस लीडर्स प्रिज्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें समरी दिया कि रिलीजियस लीडर्स यानी जो धार्मिक नेता थे, यानी धार्मिक नेता यानी जो धर्म प्रचारक, प्रिज्ड यानी धर्म का उपदेश देने वाले, आइडियाज यानी विचार दिया देते हैं लाइक यानी की तरह, अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता यानी छुआछूत, एंड चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह, यानी जो धर्म प्रचारक होते हैं, धर्म के जो लीडर्स होते हैं, वो छुआछूत और बाल विवाह के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हैं, अपने विचार देते हैं। तो जैसे फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे प्रिज्ड है, धर्म उपदेशक यहाँ पे बैठे हैं, कहीं पुरोहित वगैरह इसमें हैं पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो एक जो मैन जो प्रिस्ट होता है, मुख्य पुजारी, वो कह रहा है कि एनीवन हु क्रॉसेज द सीज लूजेज हिज रिलीजन, कि एनीवन यानी जो कोई भी, हु यानी जो, एनीवन यानी कोई भी व्यक्ति, हु मीन्स जो, क्रॉसेज यानी पार करता है, द सीज यानी समुद्रों को, लूजेज यानी खो देगा, खो देता है हिज रिलीजन अपने धर्म को, यानी जो भी व्यक्ति समुद्र को पार करता है वो अपने धर्म को खो देता है, यानी कोई भी व्यक्ति सात समुद्र पार जाता है तो वो अपने धर्म से अलग हो जाएगा यानी धर्म को खो देगा। और दूसरी साइड में और जो प्रिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं कि ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन, कि ऑल द मिजरी, ऑल मीन्स सभी, मिजरी मीन्स कष्ट या दुख, इन द वर्ल्ड यानी दुनिया में, इज ड्यू यानी कारण है द वुमेन यानी औरत, कि पूरी दुनिया में कष्ट या दुख का जो कारण है वो है औरत, यानी औरतें हैं वो दुख यानी दुनिया में दुख का कारण है, कष्ट का कारण है। तो किस प्रकार से ये बात कर रहे हैं। अगला है इसमें है पिक्चर में समरी इसकी कि द ट्रुथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड द डैम। द ट्रुथ यानी सत्य, वॉज मीन्स था, यानी इंग्लिश मैन आपस में बातचीत करते हैं तो उनका समरी है कि द ट्रुथ यानी सत्य या सच्चाई, वॉज मीन्स थी दैट की, द इंडियंस यानी भारतीय, हैड लॉस्ट यानी खो दिया सेल्फ रेस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान, यानी सत्य ये था कि जो भारतीय थे उन्होंने अपना आत्मसम्मान खो दिया था, क्योंकि गुलाम हो गए अंग्रेजों की गुलामी की, यानी अधीनता स्वीकार कर ली थी, इसलिए वो उन्होंने अपना, जो इंडियंस थे उन्होंने आत्मसम्मान खो दिया, वो गुलामों की तरह रहने लगे। द ब्रिटिश
एस्कॉन्ड देम, द ब्रिटिश यानी अंग्रेजों ने एस्कॉन्ड यानी अपमानित किया, देम मीन्स उनको, और जो अंग्रेज थे उन्होंने उनको अपमानित किया क्योंकि गुलाम हो गए, गुलामों की तरह जीवन व्यतीत करने लगे और जो अंग्रेज थे वो उनको अपमानित करने लगे। तो इन दिस पिक्चर यानी इस पिक्चर में जो अंग्रेज है वो कह रहा है कि द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। कि द नेटिव्स, नेटिव यानी देसी लोग हैं, यानी जो भारतीय लोगों के बारे में कह रहा है कि नेटिव मीन्स होता है देसी, यानी इस भारत के जो लोग हैं वो आर मीन्स है अनवर्दी, अनवर्दी मीन्स अयोग्य, ऑफ ट्रस्ट यानी भरोसे के, यानी जो भारत के लोग हैं यानी जो देसी लोग हैं वो भरोसे के लायक नहीं हैं, यानी जो देसी लोग हैं वो भरोसे के लायक नहीं हैं। इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, इनकैपेबल मीन्स असमर्थ है ऑफ ऑनेस्टी यानी ईमानदारी में, और ईमानदार भी नहीं है। तो अंग्रेज कहता है कि जो देसी लोग हैं यानी जो भारतीय लोग हैं वो विश्वास के लायक नहीं है और ईमानदारी में भी असमर्थ यानी ईमानदार भी नहीं है। तो जो एक इंडियंस होता है वो पीछे से कहता है कि ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, कि ट्रू सही है, सत्य है। तो वो कहता है किस प्रकार से भारतीयों के बारे में एक भारतीय बात करता है कि ट्रू मीन सत्य है, योर ऑनर के मामी, बट लेकिन आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ, कि बाकी सब बेईमान हैं, यानी ये सत्य बात है लेकिन मैं ईमानदार हूँ, यानी वो अपनी जो स्वामी भक्ति है उसको दिखाने की कोशिश करता है। अगले पिक्चर में क्या है कि बींग समरी इसकी, तो बींग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वॉन्टेड क्विक प्रॉफिट, दे आर हैवी टैक्सेज फॉर फार्मर्स एंड abandon their fields। के बींग मर्चेंट्स यानी व्यापारी बनकर, द ब्रिटिश मीन्स जो अंग्रेज थे वो वॉन्टेड मीन्स चाहते थे क्विक यानी जल्दी, प्रॉफिट मीन्स लाभ, यानी व्यापारी बनकर जो अंग्रेज हैं वो जल्दी लाभ प्राप्त करना चाहते थे, यानी ज़्यादा लाभ कम समय में ज़्यादा लाभ प्राप्त करना चाहते थे, यानी वो जो अंग्रेज बनकर यानी व्यापारी बनकर जो अंग्रेज थे वो जल्दी लाभ प्राप्त करना चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेज यानी उनके जो, देयर मीन्स उनके, हैवी मीन्स भारी, टैक्सेज मीन्स होता है कर, यानी उनके जो भारी कर थे वो फोर्स यानी दबाव डाला फार्मर्स यानी किसानों पर, टू अबैंडन यानी छोड़ने के लिए देयर फील्ड्स यानी अपने खेतों को, यानी अंग्रेजों का ने भारी टैक्स लगा दिए किसानों पर, जिससे जो किसान थे उनको अपने जो खेत थे वो छोड़ने पर मजबूर होने लगे, यानी अंग्रेजों ने अपना जो टैक्स था किसानों पर वो बढ़ा दिया, ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किसानों पर ज़्यादा टैक्स कर दिया, जिससे जो किसान थे वो अपने खेतों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। अब आगे जो बबल्स दिए हुए हैं इनमें कन्वर्सेशन है, जैसे किसान क्या कह रहा है, किसान कह रहा है, ए फार्मर इज सेइंग, कह रहा है कि बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स, के बट लेकिन योर मैन यानी आपके आदमी आर टेकिंग ऑल यानी ले जा रहे हैं, आर टेकिंग यानी ले जा रहे हैं, ऑल यानी पूरा या सभी, माई क्रॉप मेरी फसल को, कि जो आपके लोग हैं वो मेरी पूरी फसल को ले जा रहे हैं। तो अंग्रेज अधिकारी कहता है कि यू आर स्टिल इन एरियर्स, कि यू मीन्स तुम, आर मीन्स हो, स्टिल मीन्स अभी भी, इन एरियर्स, एरियर्स मीन्स बकाया, कि यानी तुम्हारा अभी भी बकाया है, यानी तुम्हारा जो टैक्स है, तुम्हारा जो कर है वो अभी भी बाकी है। इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल, कि इफ मीन्स यदि, यू मीन्स तुम, डोंट पे यानी नहीं चुकाते हो नेक्स्ट वीक यानी अगले सप्ताह तक, कि यदि तुम अपना जो टैक्स है, अपना जो कर है वो अगले सप्ताह तक नहीं चुकाते हो तो आई विल सेंड, मैं तुम्हें भेज दूंगा यू टू जेल यानी तुमको जेल में, कि यदि अगले सप्ताह तक तुम अपना बकाया जो टैक्स है वो नहीं चुकाते हो तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। अब नेक्स्ट इसमें है कि इंग्लिश जो अधिकारी है वो आपस में बातें कर रहे हैं, अंग्रेज अधिकारी, कि स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स, स्टिल यानी फिर द ब्रिटिश यानी अंग्रेजों ने इन्वेंटेड यानी आविष्कार किया अदर मेथड्स यानी अलग तरीकों का, विच यानी जिससे, गेव देम यानी उनको दिया जाए या मिले मोर प्रॉफिट्स यानी अधिक लाभ, यानी इसके बाद में अंग्रेजों ने
अलग अलग पद्धतियों का, अलग अलग तरीकों का आविष्कार किया, यानी अलग अलग पद्धतियाँ लागू की, अलग अलग तरीके लागू किए जिससे उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सकें। तो जैसे एक इंग्लिश मैन क्या कह रहा है कि द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। कि गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यानी वस्तुओं का जो निर्माण है, मैन्युफैक्चर्ड यानी निर्मित जो वस्तुएं हैं, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यानी निर्मित वस्तुएं इन इंग्लैंड यानी इंग्लैंड में जो निर्मित वस्तुएं हैं, शुड नॉट हैव यानी नहीं होनी चाहिए एनी इम्पोर्ट ड्यूटी यानी कोई भी आयात कर। आयात का मतलब किसी देश से मंगाना, और निर्यात एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात करना, किसी अन्य कंट्री के अंदर किसी चीज़ को भेजना, वो होता है एक्सपोर्ट। और इम्पोर्ट किसी अदर कंट्री से अपने देश में मंगाना, वो होता है इम्पोर्ट यानी आयात। तो शुड नॉट हैव यानी नहीं होनी चाहिए एनी इम्पोर्ट ड्यूटी यानी कोई भी आयात कर, व्हेन ब्रॉट यानी जब लाया जाए इनटू इंडिया यानी भारत में। तो अंग्रेज अधिकारी कह रहा है कि इंग्लैंड में निर्मित वस्तुओं को जब भारत में लाया जाए तो उन पर किसी भी प्रकार का आयात कर नहीं होना चाहिए, यानी भारत में लाई हुई चीज़ों पर यानी इंग्लैंड से भारत में लाई हुई चीज़ों पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो जो अगला दूसरा अधिकारी होता है वो कहता है ए गुड आइडिया, मीन्स एक गुड आइडिया यानी अच्छा विचार है। और क्या कहता है इसमें है कि द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। तो द ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से लॉज यानी कानून से बिगन यानी शुरू हो गया टू क्रिपल, क्रिपल मीन्स होता है विकलांग या अपंग होना, द इंडियन इंडस्ट्रीज यानी भारतीय जो उद्योग धंधे थे, यानी इससे क्या होने लगा और इसका प्रभाव भारतीय उद्योगों पर पड़ा, जिससे जो भारतीय उद्योग थे वो लगभग अपंग हो गए यानी ख़त्म होने के कगार पर आ गए, नष्ट होने के कगार पर आ गए। क्योंकि इंग्लिश जो गुड्स थे उनको इंपोर्ट करने पर कोई कर नहीं होता था, लेकिन जो भारतीय होते थे उन पर अधिक से अधिक टैक्स लगाया जाता था, इससे जो इंग्लिश चीज़ें वो सस्ती होती भारतीय महंगी होती थी, इससे उनका जो इंडियन इंडस्ट्री थी भारतीय उद्योग धंधे थे वो लगभग समाप्त होने लगे, ख़त्म होने लगे थे। नेक्स्ट में है इनइविटेबली फेमिन्स फॉलोड। इनइविटेबली का मतलब इनइविटेबली मीन्स अनिवार्य रूप से, फेमिन्स यानी जो अकाल थे वो फॉलोड यानी होने लगे, यानी अनिवार्य रूप से अकाल का पालन किया जाने लगा, फॉलोड किया जाने लगा। बिटवीन 1822 एंड 1836 15 लाख इंडियंस डाई ऑफ स्टार्वेशन। के बिटवीन यानी बीच में 1822 से 1836 के बीच में 15 लाख इंडियन यानी लगभग 15 लाख भारतीय डाई यानी मरे ऑफ स्टार्वेशन यानी भूखमरी से, यानी 1822 से 1836 के बीच में लगभग 15 लाख भारतीय वो भूखमरी से यानी भूख से मरे थे। नेक्स्ट पिक्चर में है द ब्रिटिश पॉलिसीज रन द एक्सपर्ट्स आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस। द ब्रिटिश पॉलिसीज यानी जो इंग्लिश यानी ब्रिटिश अंग्रेजी पॉलिसीज यानी नीतियों ने रन यानी नष्ट कर दिया द एक्सपर्ट यानी जो विशेषज्ञ थे आर्टिसंस यानी कारीगरी यानी शिल्पकारों को एंड देयर बिजनेस और उनके व्यवसाय को व्यापार को, यानी अंग्रेजियों की नीतियों ने जो भारतीय जो विशेष शिल्पकार जो कारीगर थे या जो कारीगर और उनके जो व्यापार जो उनका व्यवसाय था उनको लगभग नष्ट कर दिया। तो इट इज एनफ फॉर टुडे, इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड दिस चैप्टर फॉरवर्ड। So thanks for watching this video.